नमस्ते, मैं राजू भाकर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि राजकपोतासन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको जो है इसकी शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हमें आना है प्लैंक पोजीशन में, जिसे दंडासन भी कहा जाता है। तो दंडासन के लिए आप इस प्रकार से जो है दंडासन में आ सकते हैं। और दंडासन में आने के बाद आपको करना क्या है कि आपका जो राइट लेग है उसे फोल्ड करना है और राइट नी को जो है राइट रिस्ट की तरफ लेके जाना है और एंकल को जो है अपोजिट रिस्ट की तरफ। तो इस प्रकार से जो बैक लेग है उसे नीचे रख देना है और यहाँ रख देने के बाद आपको जो है आर्च करना है बैक में। आर्च करने के बाद आपको चेस्ट को लिफ्ट करना है और ऊपर की तरफ देखना है इस प्रकार से। और यहीं से अगर आप कंफर्टेबल है तो धीरे से धीरे धीरे जो है हमें पैरों को हाथों को थोड़ा सा पीछे लेना है और शोल्डर्स को रोल बैक करना है और ऊपर देखना है। अगर आप कंफर्टेबल है तो जो लेग हमारा पीछे है उसे फोल्ड करना है और अपोजिट आर्म से उसे होल्ड करने की कोशिश करनी है इस तरीके से। अगर आप कंफर्टेबल है तो टो को होल्ड करिए और इस तरीके से लिफ्ट कर लीजिए। एक बार यहाँ से अगर आप आ गए तो ये बना, इस प्रकार से जो है आप इसे होल्ड कर सकते हो। फिर से पाम्स को नीचे रखना है, धीरे से टक करके ऊपर आना है, रिलीज करना है और रिलैक्स करना है। मैं सामने की तरफ से एक बार दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको पैर को रखना है। तो हमें जो है इस प्रकार से जो है प्लैंक में आना है, लेग को फोल्ड करके इस प्रकार से जो है आपको नी को जो है जो नी रहेगा उस साइड रहेगा और कोशिश करें कि नी और एंकल एक ही लाइन में रहे। एंड देन यहीं से जो है इस प्रकार से आपको रहना है। एंड देन चेस्ट को लिफ्ट करके ऊपर देखना है और अगर आप कंफर्टेबल है तो जो पीछे वाला लेग है उसे फोल्ड कर देना है। फिर से एक बार पहले आपको आना है प्लैंक पोस्चर में, देन लेग को फोल्ड किया इस प्रकार से, देन यहाँ जो पार्ट है ये वाला इसे प्रेस करने की कोशिश करनी है, हिप्स को प्रेस करने की कोशिश करनी है, टोज पीछे की तरफ रहेंगे। देन यहीं से आपको जो है बैक आर्च करके ऊपर देखना है, फोल्ड करना है और जो अपोजिट हैंड रहेगा हमारा इस तरफ से होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरह से होल्ड करेंगे तो आपका वेट जो है एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको अपोजिट हैंड से होल्ड करना है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी है। जो हमने पहले वाला वेरिएशन दिखाया वो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आपको इस प्रकार से जो है आप इसे होल्ड कर सकते हो ये वाला, या फिर बस इसे प्रेस करने की कोशिश करिए, इस तरीके से प्रेस करिए, या फिर इसे जो है आप बस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। एक पाम आगे रखिए और रिलैक्स कीजिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है जो पहले वाला वेरिएशन के साथ तो आप उसके साथ कर सकते हैं, नहीं तो जो दूसरा वाला वेरिएशन हमने दिखाया था ये वाला, तो इसमें जो है आपको इस प्रकार से जो है अपने कोहनी के जो ये एल्बो आई जो है यहाँ पे जो अपना फुट है इस प्रकार से रखना है, अटकाना है ये वाला, और देन यहाँ से उंगलियों को होल्ड करना है। और ये जो है स्केल डाउन वेरिएशन है, अगर आप इसे करना चाहते हो तो ये जो है आप कर सकते हो। लेकिन किसे ये आसन करना नहीं चाहिए, तो पहला है अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप अगर जैसे कॉर्डिसेप्स या फिर टेलबोन का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, तो स्लिप डिस्क वालों को जो है आराम से करना है, धीरे से करना है, क्योंकि यहाँ पे पेन हो सकता है। दूसरा, अगर आपको शोल्डर पेन है तो भी धीरे से करना है, आराम से करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे से आप गेन करते जाओगे और आराम से ये आसन कर पाओगे। बस आपको जो है ज़बरदस्ती अपने बॉडी के साथ, अपने आप के साथ नहीं करनी है, जितना आप आराम से कर पा रहे हो उतना ही आराम से करना है। अगर स्ट्रेचेस की बात कहें तो हमारा जो स्ट्रेच है, जो लेग पीछे रहेगा उसके क्वाड्रिसेप पे आएगा और जो लेग आगे रहेगा उसके हैमस्ट्रिंग पे आएगा। दूसरी बात, हमारा चेस्ट, क्योंकि अगर हम आर्च करते हैं और चेस्ट को लिफ्ट करते हैं तो हमारा चेस्ट एरिया भी स्ट्रेच होता है, हमारा एब्डोमिनल मसल जो है अंदर वाले, मतलब इंटरनल एब्डोमिनल मसल जो है उनको भी अच्छे से मसाज मिलती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये फ़ायदेमंद है।
अगर आपको कभी कभार बैक पेन रहता है, ये जो ऑफिस वर्कर है ज़्यादा देर तक बैठते हैं उनके लिए भी ये आसन बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसकी वजह से जो है हमारे बैक मसल जो है बैक मसल की जो टोनिंग है बढ़ जाती है, बैक मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये एक पाद राज कपोतासन हमें करना है। फिर से एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। पहले एक प्लैंक में आ सकते हो या फिर माउंटेन में भी आप ये कर सकते हो। लेग को फोल्ड करना है, देन नी को सेम रिस्ट की तरफ, एंकल को अपोजिट, देन पीछे वाला नी नीचे रहेगा, टोज को बैक पॉइंट करेंगे, देन चेस्ट लैप करेंगे। यहाँ से पाम्स अगर कंफर्टेबल है तो अपने वेस्ट के साइड में रखेंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। अब जो अपोजिट वाला आर्म है यानी लेफ्ट लेग पीछे है तो राइट हैंड जो है उसकी उसके वजह से उससे हमें होल्ड करना है और जो है इसे अपनी तरफ खींचना है। अगर इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो है टो को होल्ड कर सकते हो और इस तरीके से ऊपर देख सकते हैं। ये अगर आप और कंफर्टेबल है रिलीज करना है, दूसरे साइड से भी आप सेम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आराम से करना है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, फिर मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद।